नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं विद्या देवी शीतग्रह प्राइवेट लिमिटेड सादाबाद जनपद हाथरस में। और यहां आज आलू की बोली चल रही है लाइव बोली, फुटेज के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा और इसका इंट्रो भी आपने देख रखा होगा। मेरे साथ भैया मौजूद हैं, भैया से पूछ लेता हूं, भैया क्या रहा है इसका बोली? आज बोली 801 रुपये 3797 विद्या देवी कोल्ड स्टोर पर बिकाए। 801 में पहली बोली 801 में रही पहली बोली। जो अन्य बोलियाँ उनका क्या है? वो अन्य बोलियाँ आए हैं, कोई 751 रुपये की है, एक 720 रुपये की है, एक 740 रुपये की है और 621 रुपये तक की भी की है। हाइब्रिड का क्या रहा है? हाइब्रिड का 650 रुपये। 650 रुपये और एक 690 रुपये बिका है। 690 रुपये, यानी कि आज मंडी में करंट की वजह से कुल्डों पर उछाल है। आज ज़्यादातर जो आलू बिक रहा है वो क्या स्थिति में बिक रहा है? आदमी ज़रूरत में बेच रहा है नंबर वन, और फिर जो थोड़ी ना गर्मी बन गई है इसलिए भाव में इसलिए बेच रहा है। चलिए किसान साथियों, मैं देख लेता हूँ कौन सा आलू है, ये ना जरा दिखा दीजिए सर, जो 800 रुपये में बिका है किसान देखना चाह रहा है। ये 3797 आलू है, गोल आलू है। किस के किसान का है, नाम क्या है किसान? बेदई के हैं, राम बाबू सिंह। किन किन किसान व्यापारी ने खरीदा, उनका नाम क्या है? क्या नाम है उनका, अरे कन्हैयालाल। कन्हैयालाल ने खरीदा है? हाँ, कन्हैयालाल ने खरीदा है। तो कन्हैयालाल ने कितने पैकेट था? ये हैं 200 पैकेट हैं। 200 पैकेट खरीद ले खरीद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी बोली चल रही है, बोली का स्थिति देख लेते हैं। मैं एक बाबा मौजूद हैं, मैं बाबा से पूछ लेता हूँ। बाबा का दादा जी कहाँ से आए हैं आप? रजोई से। रदोई से? अरे तुम तो मथुरा से आए हो यहाँ पे। कितने दूर आके आलू रखा? देखो ये बीज के मारे, बीज ले ले जाने के लिए। कौन सा आलू किए थे बाबा जी? जी तो चिम्मल को 57 को और वैसे दान पर को मोटो ले जाते वो आए ले जाए चक्कर में। बाबा एक बात बताओ, मथुरा जिले से बलदेव ब्लॉक पड़ता है आपका और वहाँ से आप यहाँ पे आए, यहाँ रखने आए हो आगरा के कोने पे, तो क्या सोच के रखा था? क्या यहाँ सोच के रखो कि मान लो यहाँ बीज मिल जाएगा, हमारी सराय के मेल भाई यहाँ धरते है, बोले कि संग में आए हम। सही बात। तो आज क्या स्थिति रही है कोल्ड पे? स्थिति जैसी है फिकता करता निकले तो क्या सुधार रह सकते हो हमारे में हो सकता है। अभी क्या रहा? अब तो 700 बोले दो। तो कितना मांग रहे थे आप? अब हम तो जाएंगे मैंने 750 तो बिकी जाना चाहिए, तो 750 में निकालने आए थे आप। हाँ, ये उम्मीद थी आपको 750 लगेगा। हाँ, लेकिन लगा नहीं। लगे नहीं, अब फिर लेके जाओ, फिर अब क्या आओ जब फिर लगे हो गाड़ी लगे फिर 750 लग जाएगा। लग जाएगा यूँ लग जाओ, आलू ख़राब ना आएंगे ऐसे मौसम में खोजो है तो बढ़िया लग रहा है। साथियों मेरे साथ में एक युवा किसान मौजूद है, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, अपना आलू बेचने के लिए आए थे, क्या रेट लगाया भैया? क्या नाम है आपका? मेरा विष्णु चौधरी नाम है, मैं रदोई गांव से आया हूँ। मेरे पापा जी आगरा काम करने गए थे, मैं आया था यहाँ पर, तो मेरा 302 आलू था, मेरा 755 का भाव लगा था। बेच दिया? नहीं बेचा। क्यों? अभी मतलब कि पापा जी आ जाते वही बेचते, मतलब मेरे हिसाब से अभी कम था। कितना चाह रहे थे आप? 302 का मेरा 800 तक का बिकता। 800 तक चाह रहे थे, ऊपर दाम नहीं लग पाए? ऊपर अभी यहाँ पर 750 का तो मेरा ही सबसे महंगा बिका है। एक दादाजी का और बिका था, उनका 750 का लग गया था, मैं चाह रहा था कि मेरा 800 तक का लग जाता। उन्होंने भी नहीं बेचा? उन्होंने 800 वालों को भी नहीं बेचा? उन्होंने बेच दिया। बेच दिया 850 में? तो पापा जी से आपने फ़ोन से बात नहीं की थी? पापा जी से कह दूंगे कि पापा जी आएंगे बात करने के लिए कोल्ड में, वो शायद दे दें या नहीं दी, वो उनकी मर्जी है। 750 का मेरे मन में वैसे 800 तक की है। 800 तक की? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, 800 तक भी सौदा हो जाएगा। 302 का घबराने की बात ही क्या है। तो वीडियो शेयर जरूर करना बढ़िया, क्योंकि आपका 755 मुझे तो बहुत अच्छा लगा है कि 755 में आप यहाँ तक सैंपल लगाना है, नहीं तो इस उम्र में कोई कोल्ड तक नहीं आता है। धन्यवाद। ज़्यादातर जो है आलू जो है, अगर नॉलेज की बता दूं आपको, ज़्यादातर आलू जो है 700 से 800 के बीच में ही बिक रहा है। हाँ, और जो एक आध दो लॉट निकल आते हैं बाई द वे, क्योंकि क्रीमी लिया क्रीम जो आलू के निकल है जैसे मांग होती है उसके अनुसार निकल है, तो उसके रेट अच्छे लग जाते हैं। 850 से बस 800 से ज़्यादा ज़्यादा कौन इससे ऊपर नहीं है, 850 से ज़्यादा ज़्यादातर यही रेट बिक रहा है। और टाउन में कितना बिक रहा है? यार 600 रुपया और बताऊँ, 600 रुपया टाउन में 600।
हाइब्रिड का क्या रेट लगा? सही जी 6 6.5 से ही 6.5 से। हाइब्रिड को 7 से हुआ? हाइब्रिड को 7 से। अभी जो बिकाता है वो कितने का बिकाता? वो 7 से होगा, हाइब्रिड होगा अपन 700। चलिए और भी कई किसान हैं, मैं उनसे ही बात करूँ। क्या देखिए दादाजी एक बात कह रहे थे, मैं दादाजी से पूछ लेता हूँ, हालांकि ये इनका अपना वक्तव्य है और इनके उससे हमारे चैनल का कोई सरोकार नहीं है और ना ही हमारा कोई सरोकार है। पूछ लेते हैं क्या कहना चाह रहे थे जी? कह रहे हैं सामने अभी नाम क्या वो क्या 1000 कम से कम? 1000 कम से कम? कॉन्फिडेंस है बिल्कुल पक्का दादा? ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जो आप भोले बाबा कह गए? भोले बाबा कह गए तो इस बार 8000 ही बेचेंगे? हाँ लमसम बिकेगा 1000, उससे नीचे नहीं बेचेंगे आप? ना हम तो बेचेंगे भैया, हम 8500 तक बेच देंगे, हम 8500 बेच देंगे वो तो। ये कोई ज़्यादा ना, ये कोई बात नहीं, आलू ज़्यादा है बेटा तो एक ठियाई बेच जाएंगे भाई, गरीब आदमी चोट लग गई है भाई, यहाँ 5-7 यहाँ धरे यहाँ कोई माँ धरे तो यहाँ एक ठिया के बेच देंगे 8500 बेच। एक बात बेटे को ये नहीं है इतनी गुंजाश की ना भैया, हमें है हम तो थोड़े से बेच होना 4-3 भैया। दादा बोल रहे हैं कि 1000 रुपये का आलू बिकेगा, क्या लग रहा है? देखिए मुझे भी हंसी आ रही है, और हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये इनका देखो 1000 रुपये का कोई ज़्यादा नहीं है, बिक भी सकता है और नहीं भी बिक सकता, इसका कुछ नहीं कह सकते। रेट अभी मान के चलो, देखो बढ़िया आलू है अभी, अभी मैं देख रहा हूँ अभी तक कोई आलू मेरी समझ में नहीं है, नहीं बढ़िया आलू हो तो 800-850 के आलू हैं, अच्छे रेट अच्छे माल के। आगरा में भैया 900 तक के सौदे चल रहे हैं, क्या ये सही है 900 तक? 900 के सौदे कोई एक का दुख का सौदा कोई हुआ है, लेकिन ऐसा मतलब अभी पड़ते में नहीं है 900 के कहीं भी। नहीं आलू निकल नहीं रहा है क्या? नहीं, एक तो क्वालिटी नहीं है कहीं भी, क्वालिटी का बहुत ज़्यादा इशू है इस बार। आप लगभग कितने कोल्डों में घूम लिया आज? आज क्या मैं तो डेली घूमने का ही काम है, फिर भी जैसे कि आगरा में मैंने देखा है कि कई फर्जीवाड़ा 950 की रजिस्टर डाल रहे हैं, कोई वो नहीं, 950 के तो नहीं है, लेकिन 850 का भी एक आध सौदा हुआ है, लेकिन 900 से ऊपर का तो मेरी समझ में नहीं है अभी। अगर किसानों को ये उम्मीद है कि हमारा आलू 1000 बिकेगा, इसे उम्मीद किसान को करनी चाहिए, किसान ने पैदा किया है और ज़रूरी है उम्मीद करना, भी समय भी है, निकासी भी ठीक चल रही है। निकासी भी इस समय पर सही है, लेकिन कल भी हमने डाल दिया था कि निकासी इतनी हुई है, अगर 17-18% हो जाए तो ये आलू के दाम और भी बढ़ जाएं, लेकिन स्थिति 11.5 के आसपास। बढ़िया आलू के रेट तो बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जो देख रहे हो ना, अभी यहाँ से वहाँ तक देखो कोई भी आलू अभी ये है कि मतलब जो बाहर की लोडिंग कर सकते हैं, लोकल मंडियों के आलू हैं सब। इसमें से कोई एक सैंपल उठा के दिखा दीजिए ताकि हम किसानों को बता सकें कि अगर ऐसा आलू आकर समझ में, कोई सैंपल नहीं है, यहाँ से वहाँ तक खुले पड़े, कोई भी सैंपल ये नहीं है कि बाहर की लोडिंग कर सको आप, ना ही महाराष्ट्र की लोडिंग का आलू है इसमें कोई, ना ही साउथ की लोडिंग का आलू है, ये सब लोकल राजस्थान एमपी की मंडियों के आलू हैं सब। दादा दिखा रहे हैं आप, इसे बताइए जरा, ये लग दो दो आलू है, इसको देखिए ये सैंपल देखो, ना ही इसमें कलर है, निकासी बहुत ज़्यादा है और ना ही कोई इसमें ग्रीडिंग है, ग्रीडिंग तो फेल है, कलर का भी अंतर आ रहा है, छेद वाला भी आलू है इसमें काफ़ी, चित्ती का भी कोई फर्क है? हाँ हाँ कलर नहीं है इसमें, मतलब आपके उसके मतलब जो आप खरीदारी करते हैं उसके हिसाब से अभी नहीं मिल पा रहा है। देखो क्वालिटी नहीं मिल रही है, मेन चीज़ है क्वालिटी की, देखो क्वालिटी है तो रेट भी है, देखो 900 रुपये के भी खरीददार हैं लेकिन क्वालिटी हो। 900 भी खरीदा है आपने? नहीं मैंने तो, मैं नहीं खरीदता हूँ, मैं तो कंपनी के लिए भिजवाता हूँ माल, लेकिन जो भी व्यापारी लोग हैं वो 900 में भी एक आध व्यापारी ने लिया है, लेकिन अच्छे माल हैं वो, यहाँ पे तो मुझे अभी एक भी सैंपल नहीं मिला। चलिए मैं दिखा देता हूँ किसान को, कई किसानों को लगेगा कि आलू जो है काफ़ी, आइए किसान साथियों देख लेते हैं भैया, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा जो है आलू का इन्हें चाहिए, दिखाइए जरा कैमरा मैन नीचे करके दिखाओ, इधर दिखाओ, देखो वो हाइब्रिड आलू है, रोटन है, इधर दिखाओ, पाउडर लगा हुआ है, छिला हुआ है, मीडियम साइज है, ये चित्ती वाला आलू है, ये भी देखो थोड़ी लंबी सेम में आलू है और इस पर खुजली टाइप की बनी हुई है, ठीक है, बाकी ग्रीडिंग ज़्यादा बढ़िया नहीं है, नॉर्मल ही है, ये दोनों एक ही लॉट हैं, ये हाइब्रिड आलू है, मोटी टपक का है, धान के खेत का है, छेद वाला आलू भी दिख रहा है, हरा भी दिख रहा है, ग्रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, उधर देख लो आप, उधर भी रोटेन है, उधर चित्ती का छः चक्का दिख रहा है, ऐसा कोई भी माल नहीं है जो बाहर की गाड़ी में लोड कर सके आप, ना ही साउथ की गाड़ी में लोड कर सकते हैं, ना ही महाराष्ट्र की मंडियों में लोड कर, ये लोकल मंडियों के आलू हैं सब, ये लोकल के हैं बिल्कुल। और जैसे कि अगर देखा जाए तो किसान को, एक किसान हमसे बोलता है आप किसान विरोधी हो, लेकिन किसान जो है अपने आलू का ये नहीं देखता। मैं किसान विरोधी नहीं हूँ, मैं भी मुझे ही बोल, मैं भी किसान ही हूँ, मैं भी आलू ही पैदा करता हूँ, ठीक है, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी के ही रेट होते हैं। अभी इसमें से क्वालिटी क्या, मानक क्या होते हैं क्वालिटी के, वो किसानों मानक देखो, एक तो कलरफुल आलू होना चाहिए, साइज़ भी अच्छा होना चाहिए, जो ना तो ज़्यादा मोटा हो ना ही ज़्यादा मीडियम हो, मतलब 45 से 65 mm का साइज़ हो, कलरफुल आलू हो, निकासी भी ना हो,
तो अच्छे रेट में आलू निकल जाएगा। देखिए एक YouTube चैनल वाला बता रहा है कि 22 या 24 रुपए किलो का रेट चल रहा है मेटिया वाला मंदरई में, और आज पुना का भी 23 रुपए किलो होगा, ये कहाँ तक आप सही मान रहे हैं? और देखो मंडियों में क्या है, मंडियों का कोई फिक्स नहीं है, आज है कल नहीं है उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन यहाँ से जब व्यापारी लोड करता है तो उसको कोई पता नहीं है आगे क्या रेट मिलेगा, ठीक है, वो तो अपने भरोसे ही, जो भगवान भरोसे जो मिल जाए वो मिल जाए, ठीक है, लेकिन वो अपने हिसाब से लोड करते हैं व्यापारी भी। बात आती है कि जो किसानों को कुछ लोग गुमराह करते हैं कि किसान जो है मंडी का भाव बताते हैं और उन्हें बताते हैं कि हुए वो लखपति मंडियों में भी आज पता कर लो, कोई एक आध दो मतलब दो चार लोटी हैं जो ऊंचे रेट में बिकते हैं, बाकी नीचे रेट में भी है मंडियों में ज़्यादातर। क्या देखो महाराष्ट्र की मंडियों में 16-17 का भी रेट है, 18-19-20 का भी रेट है, लेकिन नॉर्मल वही 18-19 के रेट हैं। जिस तरीके से आप यहाँ से लोडिंग वगैरह करते हैं उसका कितना परेशान होते हैं आप? क्या कितना परेशानी का सामना करते हैं आप? जैसे आप गाड़ी लोड करते हैं यहाँ से वहाँ तक, अगर आपको साउथ में ले जानी है तो कितना फेस करते हैं, क्या चार्जेज होता है उसका? चार्जेज तो देखो साउथ की मंडियों के लिए लगभग 450 रुपये क्विंटल के तो भाड़े ही हैं लगभग, जिसमें आपका मंडी समिति का टैक्स भी लग जाता है, चटाई वटाई के भी खर्चे रहते हैं। तो साउथ की मंडियों में 450-500 रुपये क्विंटल के खर्चे हैं, और फिर उधर कौन सी मंडी में आप भेज रहे हैं उधर आपको कमीशन लग रहा है नहीं लग रहा है वो भी फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के किसानों को फिर वहाँ शोषण ही होता है, फिर उसे बेचना ही बेचना है, फिर कुछ नहीं होता। नहीं देखो अगर माल अच्छा है तो अच्छे रेट में, लेकिन ये माल नहीं है जो आप, वो अलग ही माल होते हैं जो भेजने वाले होते हैं बाहर की मंडियों में। ये माल जो कोई भी माल नहीं है इसमें बाहर की मंडी के लिए, कोई भी माल नहीं है इसमें। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे मेरे साथ में प्रमुख व्यवसायी और यहाँ से आलू की खरीद फरोख्त करते हैं। चैनल पर इन्हें लाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि आपको इसके बारे में जानकारी देना कि आपका आलू किस तरीके का है, अगर आपकी ग्रेडिंग और आपकी कलरफुल है और आपका आलू सही है तो ही उसके अच्छे दाम वापस लौट के आने वाले हैं। ऐसे आलू के दाम लौट के आने वाले नहीं है जो चित्ती है, छेदक है, या खुजली वाला है, या छिला हुआ है, या कटा हुआ है, या दागी है, या अन्य कोई कमियां हैं, ऐसा आलू तो मंडियों में लेने वाला कोई नहीं है। भैया ने बिल्कुल विस्तार से आपको बताया, आशा है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए और देख लेते हैं क्या स्थिति कोल्ड स्टोर में। किसान साथी मेरे साथ में एक किसान मौजूद है और मैं इनसे पूछ लेता हूँ, भैया बोली का क्या स्थिति चल रही है? स्थिति तो बढ़िया भैया, पर ये 800 तक, 850 तक है रेट, 850 तक विद्या देवी में सौदे हो रहे हैं। तो आलू क्या क्वालिटी है? लेकिन आलू की जो क्वालिटी अच्छी खुल रही है उसी के लग रहे हैं रेट, क्वालिटी ही बिक रही है, क्वालिटी ही बिक रही है। ज़्यादातर जो है किसान किस तरीके का आलू है? किसान हल्का ही आलू जैसा, ज़्यादातर आलू हल्का है, और हल्के के ये मतलब 10 किसानों में से कोई एक किसान ही है जिसका आलू है टॉप क्वालिटी का, उसी के रेट? हाँ उसी के रेट। बाकी अन्य किसान? हाँ कुछ ग्रेडिंग का फ़र्क पड़ रहा है। ज़्यादातर जो लोग कमियाँ बता रहे हैं वो किस चीज़ निकल के आ रही है? कमियाँ थोड़ा दाग है और छिला हुआ आलू है, चल किसान ने जल्दबाजी में। कई यूट्यूबर जो हैं 22 या 24 रुपए किलो का रेट बता रहे हैं और किसान को लग रहा है कि उनका भी आलू 22 या 24 मिल जाए, और जब तुम यहाँ देखने आए हो यहाँ 14 और 13, 14-15 यही है। हाँ यही है, यहाँ नहीं है, लास्ट 16 तक 17 तक। हाँ वो तो जो हाई क्वालिटी आलू है उसका ही है, दिखाने वाला बोलने वाला ये नहीं देख रहा है कि जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है। जमीनी स्तर पर मान लीजिए कि किसान कहाँ बेच रहा है आलू कोल्ड में, और मैं बता दूँ या कोई और बता दे, उसके 22 रुपए किलो के रेट चल रहे हैं। अरे भैया तुम मदुरई मेट्या पाला हो बेंगलोर से या पूना से, किसान को क्या मतलब है? किसान का आलू यहाँ बिक रहा है, मंडी के रेट बता रहे हैं उनको, कोल्ड के बताएं ना, कोल्ड में जाके कोल्ड में क्या रेट बिक रहा है? कोल्ड में तो अभी आपके सामने है, आप कंपेरिजन कीजिए, 22 रुपए किलो का रेट वो बता रहा है, यहाँ ज़मीन पर है कुछ नहीं है, इतना नहीं है। मारा कौन जा रहा है इस वक्त लड़ाई? किसान मारा जा रहा है और कौन मारा जा रहा है, और किसान ही अभी तक उसमें नहीं है भाई। नॉलेज दो तो फिर अच्छी दो, करेक्ट नॉलेज दो दे रहे हो किसी को। भैया मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, उसकी आलोचना जरूर कर रहा हूँ कि 22 रुपए किलो का रेट बता दिया, 24 का बता दिया, और यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ नहीं है, वो तो बाहर मंडियों के रेट बता रहे हैं जो बिक रहे हैं, लेकिन यहाँ जो बिक रहे हैं तो वही रहा है ना, क्वालिटी बिक रही है, ये तो नहीं बिक रहा अभी आपके सामने है। रेट तो वैसे सही लगा ही रहे हैं व्यापारी अपने हिसाब से, किसानों की मतलब वो कर ही रहे हैं ज़्यादा मदद। मतलब ऐसे चैनल वाला केवल किसानों को बेवकूफ़ बना के अपने व्यूअर सब्सक्राइब बटोर रहे हैं और कुछ नहीं है। नहीं मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, व्यूअर सोच है, वो उनकी सोच है। यार जमीन स्तर पर दिखाओ ना, जमीन स्तर पर क्या चल रहा है, जमीन स्तर पर आलू का क्या है, दिखाना चाहिए उनका, हर जगह जाके रेट दिखाने चाहिए। मैं अभी आपके सामने, हमको हर कोल्ड स्टोर में जा रहे हैं, हर कोल्ड स्टोर में अलग का आलू का लग रहा है, किसी का 850 लग रहा है, किसी का 875 लग रहा है, किसी का 750 भी लग रहा है, किसी का 650 भी लग रहा है। हम मंडियों में चल रहा है वो दिखा रहे हो, हम क्या दे रहे हैं, मंडियों में हमेशा क्रीम बिकती है, क्वालिटी बिकती है, ना कि हर रेट बिकता है। वो तो बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, लेकिन किसान साथी मैं आपके कहना यही चाहूँगा, अवेयर रहिए, अपना आलू हर रेट लेते हुए निकालिए, क्योंकि
सब ये सब्जी है इसका कोई भरोसा नहीं है। हमेशा आप ये देखिए कि आपका आलू सही रेट पे कोल्ड स्टोर बिक रहा है, बेच लीजिए। और अगर कहीं ऐसे गुमान में मत रहिएगा कि फलाना यूट्यूब वाला 24 रुपये किलो का रेट बता रहा है और कोल्ड में आपका बिक रहा है 13 रुपये किलो या 14 रुपये किलो। ये सिर्फ आप लोगों को मनगढ़ंत व्यूवर और सब्सक्राइब बटोरने के लिए इस तरीके के फर्जीवाड़ा दिखा रहे हैं, जबकि क्वालिटी हमेशा आलू की जो है क्वालिटी बिकती है और मंडी में आलू वही बिकता है जिसका होता है। मंडी में अलग अलग तरीके का आलू बिकता है, कोई 22 रुपये किलो भी बिक रहा है, कोई 16 बिक रहा है, कोई 17 बिक रहा है, हर तरीके का वो आलू बिक रहा है। लेकिन आप लोगों को क्या दिखा दिया था, 24 रुपये किलो, और 24 रुपये किलो का ज़मीनी स्तर पर उल्टा हो जाता है 14 रुपये किलो। भ्रमित किया जा रहा है पब्लिक को। ये आपके सामने कितने कितने लगे? 800 बिक गया, 750 आलू बिक रहा है, बढ़िया बिक रहा है, सही है ना। किसानों को किसानों को बेचना चाहिए, यही चल रहा है, यही चल रहा है। रेट में कोई वो तो नहीं है, कोई नहीं है, तो यही तो कह रहे हैं कि किसान जो है फर्जीवाड़ा ना देखे, या अपने आलू के यहाँ पे उस यूट्यूबर को पकड़ के लाए, जुताई जाती है। अरे यहाँ पे उस यूट्यूबर को पकड़ के लाए कोल्ड स्टोर में, कोल्ड स्टोर का रेट दिखा और उसके बाद में कंपेरिजन करे 24 और 25 रुपये किलो के रेट कोल्ड स्टोर में है या नहीं है, बस घर बैठे वीडियो बना के और लगा दिया और छूना किसानों को। बर्बाद कौन होगा किसान, बेमौत कौन मारा जाएगा किसान। लेकिन किसान भी ऐसे ही आदमी से राजी है जो कि उसके फसल पर पानी फेरने का काम कर रहा है। तो धन्यवाद किसान साथियों, ऐसे लोगों से सचेत रहिए, जो आप लोगों के जो जितने भी कुंठित मानसिकता वाले हैं ऐसे लोगों से सचेत रहिए, ये कोई आपका भला करने वाले नहीं है। तो यही था किसान साथियों, मेरे साथ ब्रह्मा देवी कोल्ड स्टोर प्राइवेट लिमिटेड है समस्त प्रजातियों के रेट। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो किसान हित में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।